गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम रामसन मैथ टीचर फ्रॉम सीएम एकेडमी हायर स्कूल सतना एंड टुडे टॉपिक नंबर सिस्टम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.1 एंड पार्ट 3। पार्ट सेकंड में हमने क्या पढ़ा था? रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको बताना है रेशनल नंबर अब आपके कौन से नंबर्स हैं, कि आपको रेशनल नंबर्स हैं और कौन से आपके नंबर इरेशनल नंबर होते हैं। वो आपने रेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ ली होगी, जिससे आपको ऑल भी नंबर्स में क्लियरनेस समझ आ जाए कि आपको ऑल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। बट उसको हम क्या करते हैं, पी अपॉन क्यू फॉर्म में राइट करते हैं। एंड डेसिमल से बात के जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सेम रिपीट होते हैं एंड उनका क्या होता है, नॉट एंड होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताना था फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में इज जीरो अ रेशनल नंबर, मतलब क्या जीरो आपका रेशनल नंबर है। आपको बताना है इज जीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, और हम इसको p अपॉन क्यू में राइट कर सकते हैं। वेयर q एंड q आर वेयर p एंड q आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर्स हो जाएगा एंड q नॉट इक्वल टू जीरो। मीन्स p अपॉन q क्या है, आपके इंटीजर्स है जिसको हम क्या करते हैं, p अपॉन q फॉर्म में राइट करते हैं। मीन्स रेशनल नंबर, क्योंकि आपने इंटीजर्स में आपने पढ़ा होगा कौन से नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो आपके कौन से नंबर से p अपॉन q आपके इंटीजर्स हो जाएंगे। और हमने क्या करना है, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ये होता है कि क्यू की जगह हमको क्या करना है, जीरो राइट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अगर आप क्यू की जगह आप जीरो राइट कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट इनफाइनिटी यूज होगा वहाँ पे। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू की जगह हमको जीरो पुट नहीं करना है। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे बताते हैं इज जीरो रेशनल नंबर, यस जीरो इज क्या है, रेशनल नंबर है। और हम क्या कर सकते हैं इसको, इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म पी अपॉन क्यू, और इसको हम क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू में फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वेयर p एंड q आर द इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू जीरो, और p एंड q क्या है, एक आपके इंटीजर्स हैं और इनको हम क्या करते हैं, q नॉट इक्वल टू जीरो मतलब ये होगा उनको q की जगह आपको जीरो राइट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल देखते हैं 0.4 0.3.4 0.100, इसका मतलब क्या हुआ, 0.4 मैंने जो यहां पे राइट किया है 0.4 मीन्स ये p है एंड अपॉन वाला नंबर क्या है, q है। नेक्स्ट ऐसे सेकंड भी था 0 अपॉन क्या था 3.4, तो यहाँ पे आपकी p की वैल्यू क्या है 0 एंड q की वैल्यू क्या है आपकी 3.4। नेक्स्ट मैंने 0.100 राइट किया है 0.100, 0 आपको क्या है p है एंड 100 क्या है q, मीन्स मैंने q की जगह क्या राइट किया है, नंबर्स राइट किए, इंटीजर्स यूज किए हैं, और मैंने वहाँ पे क्यू किया वहाँ पे मैंने क्या नहीं ऐड किया, जीरो राइट नहीं किया है। और ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड फाइंड करते हैं, आपको क्या फाइंड करना है, 0.6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। यस आपको तो पता है कि टू रेशनल नंबर के बिटवीन में कितने सारे आपके रेशनल नंबर होते हैं, मीन्स वहाँ पे इनफाइनिटी होते हैं। बट हमें क्या करना है, इनको 3 एंड 4 के 6 ओनली हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 6 रेशनल नंबर आप लॉन्ग मेथड से कर सकते हो, आप इजी मेथड से कर सकते हो, बट अगर आपको सिंपलीफाइड क्वेश्चन आपको समझना है अच्छे से, तो आपके अभी आप जिस क्लास में हो आप 9 क्लास में, तो आप क्या करो उसको सिंपलीफाइड क्वेश्चन लॉन्ग मेथड से फाइंड करो, जिससे आपसे क्या होंगे सिंपलीफाइड क्वेश्चन भी आपसे और इजीली सॉल्व करते बनने लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 एंड 4 आप इजीली भी बता सकते हो, 3 एंड 4 के बीच में 6 रेशनल नंबर कौन से हो जाते हैं, आप 3.1 3.2 3.3 3.4 ये भी राइट कर सकते हो। बट हम ये क्या करेंगे, हमको रेशनल नंबर कन्वर्ट करना है, तो इसको हम क्या करेंगे लॉन्ग मेथड से फाइंड करेंगे, जिससे क्या होगा आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं 6 रेशनल नंबर, सॉल्व लेट 6 रेशनल नंबर क्या हो जाएंगे आपके, रेशनल नंबर्स एक्स प्लस डी एक्स प्लस टू डी एक्स प्लस थ्री डी एक्स प्लस फोर डी एक्स प्लस फाइव डी एंड एक्स प्लस सिक्स डी। ये मैंने क्या ले लिया, 6 रेशनल नंबर ले लिया, मतलब अभी आपके रेशनल नंबर है नहीं, बट हमने क्या किया अभी, तो हमको क्या करना है आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद आपको ये बताना है 6 रेशनल नंबर।
अभी मैंने क्या किया, एक्स प्लस डी, एक्स प्लस टू डी, एक्स प्लस थ्री डी, एक्स प्लस फोर डी, एक्स प्लस फाइव डी, एक्स प्लस सिक्स डी, मैंने क्या कर लिया, सिक्स रजिस्टर नंबर ले लिया। बट आपके माइंड में आया होगा यहाँ पे आपने एक्स लिया है बट यहाँ पे एक्स नहीं है, आपने डी लिया है बट यहाँ पे डी है नहीं। तो मैं आपको सीक्वेंस से सॉल्व करके बताऊंगा कि एक्स एंड डी क्या होगा। यहाँ पे आपकी जो नंबर जो दिख रही है वो एक्स, फर्स्ट नंबर क्या है एक्स, तो ये क्या है थ्री है, एंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, क्या सेकेंड नंबर आपका डी होगा, नहीं सेकेंड नंबर आपका क्या हो जाएगा ये वाई होगा, सेकेंड नंबर क्या है फोर। अब आपके मान में रहो सर हमारे पास x की वैल्यू तो है यहाँ पे बट हमारे पास d की वैल्यू नहीं, तो d हम कैसे फाइंड करेंगे। d फाइंड करने के लिए आपको मैं इजीली बता दूँ कि d आप कैसे फाइंड करोगे, d को हम राइट कर लेते हैं y माइनस एक्स डिवाइडेड n प्लस वन। ये क्या हो गया आपका d, जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है आपको जो वैल्यू पुट करनी है, ये d मैंने फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आपको बता दिया कि y माइनस एक्स मतलब सेकेंड नंबर को आप फर्स्ट नंबर से सेपरेट कर दीजिए और n क्या होगा आपका नंबर ऑफ रेशनल नंबर, मीन्स आपको कितने यहाँ पे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, आपको रेशनल नंबर कितने फाइंड करने हैं सिक्स, आपको सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करना था, मीन्स ये क्या हो जाएगा आपको सिक्स वो n हो जाएगा, सिक्स रेशनल नंबर मीन्स n इक्वल क्या हो जाएगा सिक्स, ये हो गई हमारी n की वैल्यू। ठीक है, मतलब n आप वो नंबर लोगे जितना आपको रेशनल नंबर फाइंड करना होगा, यहाँ पे हमें कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं सिक्स, इसलिए n क्या हो जाएगा नंबर्स। ठीक है, n क्या हो जाएगा आपका सिक्स ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम पुटिंग करते हैं d के लिए, फाइंड करने के लिए क्या यूज किया था फॉर्मूला, y माइनस एक्स डिवाइड ब्रैकेट n प्लस वन, तो यहाँ पे d की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है बताइएगा मुझे, y की वैल्यू यहाँ पे फोर है, 4 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 3 डिवाइड एन क्या है यहाँ पे 6 प्लस 1, तो डी इक्वल क्या हो जाएगा 4 में 3 सबमिट करोगे 1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 7, और डिवाइड मतलब क्या होता है अपॉन में होता है, मीन्स 1 अपॉन क्या हो जाएगा 7। डी क्या हो गई आपने डी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। अब हमको क्या करना है यहाँ पे, हम यहाँ पे नॉर्मली आप पुटिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने ऑल वैल्यू फाइंड कर ली, रेशनल नंबर ही फाइंड कर लिया मैंने, ये भी फाइंड कर लिया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ऑनली, अब हमें यहाँ पे पुटिंग यूज करना है। पुटिंग करते हैं, फर्स्ट हमारा रेशनल नंबर क्या था, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या है राइट कर लेते हैं यहाँ पे, फर्स्ट क्या था रेशनल नंबर एक्स प्लस डी, एक्स की वैल्यू क्या है 3, d की वैल्यू क्या है 4, तो 1 अपॉन 7, अब यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 7 3 जा 21 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन क्या आ जाएगा 7, मीन्स क्या है 21 अपॉन क्या आ जाएगा 22 अपॉन 7, ये आपका क्या हो गया फर्स्ट रेशनल नंबर हो गया, ये हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट रेशनल नंबर। अब हमें क्या फाइंड करना था, हमें सिक्स तक फाइंड करना है, मीन्स हमने फर्स्ट तो हमने फाइंड कर लिया, अब हम क्या फाइंड करेंगे सेकेंड, ऐसे आप थर्ड फाइंड करोगे, फोर्थ फाइंड करोगे, सिक्स फाइंड करना है, सेवन फाइंड करना है, तो अब यहाँ पर मैं सेकेंड फाइंड कर देता हूँ। सेकेंड क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, सेकेंड रेशनल नंबर फॉर्मूला ये यूज होगा एक्स, फॉर्मूला क्या है एक्स प्लस टू डी, तो एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास 3 मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई किया था 1/7, अब यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं क्या आ जाएगा सेकेंड आपका 3 प्लस 2/7, फिर से वही सेम प्रोसेस क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 का 21, 21 और 2 क्या हो जाएगा 21, 21 और 2 क्या हो जाएगा 23, 23 अपॉन 7, ये क्या हो गया आपका सेकेंड, सेकेंड हो गया रेशनल नंबर। अब हम क्या करेंगे थर्ड रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, थर्ड रेशनल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, ये आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या है एक्स प्लस थ्री डी, सेम वैल्यू पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू 3, 3 की वैल्यू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई किया जाएगा 1/7, मीन्स 3 प्लस 3/7, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं
थ्री सेवन जै ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन और थ्री क्या हो जाएगा, ट्वेंटी वन और थ्री क्या हो जाएगा, ट्वेंटी फोर, ट्वेंटी फोर अपॉन सेवन, ये आपका क्या हो गया थर्ड रेशनल नंबर, ये आपका थर्ड रेशनल नंबर हो गया। अब फोर फाइंड कर लेते हैं, फोर फाइव सिक्स, फोर क्या हो जाएगा आपका रेशनल नंबर, एक्स प्लस फोर रेशनल नंबर क्या होगा आपको, एक्स प्लस एक्स प्लस फोर ए, एक्स की वैल्यू क्या है थ्री, यहाँ पे है फोर, तो डेट अपन फोर अपॉन सेवन ऐड कर देते हैं, तो सेवन थ्री से ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन और फोर क्या हो जाएगा ट्वेंटी फाइव, ट्वेंटी फाइव अपॉन सेवन, ये क्या हो गया आपका फोर रेशनल नंबर हो गया। सेम ऐसे फिफ्थ भी फाइंड कर लेंगे, फिफ्थ रेशनल नंबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस फाइव डी, एफ की वैल्यू थ्री, फाइव अपॉन सेवन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन फाइव क्या हो जाएगा ट्वेंटी सिक्स अपॉन सेवन, ये हो गया आपका फिफ्थ रेशनल नंबर। ऐसे सेम सिक्स रेशनल नंबर फाइंड कर लेंगे, क्या होता है वहाँ पे रूल फॉर्म क्या यूज करेंगे, यहाँ पे एक्स प्लस सिक्स डी, एक्स प्लस सिक्स डी, सेम वही पुटिंग करेंगे थ्री प्लस सिक्स अपॉन सेवन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ट्वेंटी वन और थ्री क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन अपॉन क्या हो जाएगा सेवन, ये आपका आ गया सिक्स रेशनल नंबर। अब देखिए यहाँ पे आपको सिक्स रेशनल नंबर, ये मैंने यहाँ पे रूल फॉलो क्यों किया है, क्योंकि आपके यहाँ पे जितने भी आपको नंबर मिल रहे होंगे वो आपके क्या है सेम रूल वही नंबर का डिफरेंस सेम होगा। देखिए जैसे फर्स्ट में ट्वेंटी टू अपॉइंट सेवन है, ट्वेंटी थ्री अपॉइंट सेवन, ट्वेंटी फोर अपॉइंट सेवन, ट्वेंटी फाइव अपॉइंट सेवन, ट्वेंटी सिक्स अपॉइंट सेवन एंड ट्वेंटी सेवन अपॉइंट सेवन, मतलब यहाँ पे जो आपको डिफरेंस मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है वन वन का, आपको अगर आप सॉल्व करोगे इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा इक्वली होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे आपको क्या बता दिया है, इस मेथड से आप क्या कर सकते हो इक्वली डिफरेंस आप फाइंड कर सकते हो, डिफरेंस मीन्स यहाँ पे सिक्स मैंने फाइंड रेशनल नंबर फाइंड कर लिया है। यहाँ पे आप इजी भी मेथड का यूज कर सकते हो, क्योंकि आप सिक्स रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए वन मेथड नहीं है, आप जितना यहाँ पे यूज कर सकते हो उतने मेथड आप यूज कर सकते हो, बट आपको मैंने यहाँ पे ये मेथड इसलिए बताया क्योंकि आपने क्लास एट में रेशनल नंबर फाइंड किया था, सेम यही फॉर्मूला था, इसलिए आपको क्या होगा इसलिए आपको माइंड में आ गया होगा कि आप सिक्स रेशनल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। अब आपका रिमाइनिंग बचा है क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो आपका जो नंबर क्वेश्चन नंबर थर्ड है वो आप क्या करोगे उसमें भी आपको रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो आपके लिए होमवर्क रहेगा आप उसको सॉल्व कीजिएगा रेशनल नंबर। ओके थैंक यू।